इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। आपको बता दें जयपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी, बेटे रोहित जोशी से जुड़े सवाल पर बोले मंत्री महेश जोशी, कानून अपना काम करेगा। महेश जोशी का बयान यहां पर सामने आया। आपको बता दें हर सवाल पर मंत्री महेश जोशी ने यही जवाब दोहराया है। बड़ी जानकारी यहां पर सामने आ रही है इस वक्त की, बड़ी और अहम खबर यहां पर सामने। जयपुर से ये बड़ी जानकारी, बेटे रोहित जोशी से जुड़े सवाल पर मंत्री महेश जोशी का यहाँ पर बयान सामने आया है। महेश जोशी ने कहा है कि कानून अपना काम करेगा। हर सवाल पर मंत्री महेश जोशी ने यही जवाब दोहराया है। बड़ी जानकारी यहाँ पर मिल रही है। आपको बता दें बेटे रोहित जोशी पर लगा था रेप का आरोप, तमाम धाराओं में उन पर केस दर्ज किया गया है। और ऐसे में जब मंत्री महेश जोशी से सवाल किए जा रहे हैं तो उनका केवल एक ही जवाब आ रहा है हर सवाल पर कि कानून अपना काम करेगा। बड़ी और अहम अपडेट यहाँ पर आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी जानकारी सामने, मंत्री महेश जोशी का बयान यहाँ पर सामने आया है। लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, आप क्या कहेंगे? पुलिस अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है। कानून सबके लिए समान है और कानून में किसी भी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं होता। कानून अपना काम, राजनीतिक प्रेशर है वो ऐसा लगता है पुराना, कानून अपना काम कर रहा है। सर क्या हनी ट्रैप का मामला दिख रहा है? हनी ट्रैप का मामला कुछ ऐसा जो कुछ है कोर्ट में है, पुलिस जांच कर रही है, कोर्ट में मामला है, जो कानून तय करेगा वो सबको मालूम। आपको पता है कि वो कहां पेश होंगे? दिल्ली। कानून अपना काम। ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशुतोष, बड़ी जानकारी यहाँ पर सामने आई है। मंत्री महेश जोशी ने यहाँ पर बयान दिया कि कानून अपना काम करेगा। हनी ट्रैप का मामला यहाँ पर लोग मान रहे हैं, क्या कुछ जानकारी यहाँ पर सामने आ रही है? देखिए ऐसी जो आरोप लगे हैं बहुत गंभीर आरोप है, दिल्ली पुलिस इसकी जाँच कर रही है। जब आज सवाल पूछे गए पीसीसी में मंत्री महेश जोशी से उनके पुत्र को लेकर, तो उन्होंने बार बार जो लाइनें थी यही दोहराई कि कानून अपना काम कर रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है और पूरा का पूरा जो मामला है वो कोर्ट में है। उनसे ये पूछा गया क्या ये हनी ट्रैप का मामला है, उस पर उन्होंने यही जवाब दोहराया कि पुलिस अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है। और जब उनसे ये पूछा गया कि आपको ये पता है कि रोहित जोशी कहाँ है, तो इसका भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बॉडी लैंग्वेज से पूरी तरीके से अनकंफर्टेबल वाली जो सिचुएशन होती है वो होते हुए दिखाई दिए। और बड़ी बात ये कि सीए कार्यक्रम पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था। सीएम अशोक गहलोत अभी भी पीसीसी के अंदर मौजूद हैं, बाहर नहीं निकले हैं। उसके पहले ही महेश जोशी निकल चुके हैं, जबकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। आमतौर पर अगर प्रोटोकॉल की भी बात करते हैं तो सीएम की जब रवानगी होती है उसके बाद में तमाम जो मंत्री होते हैं, तमाम जो विधायक होते हैं वो पीसीसी बाहर जाते हैं या किसी भी कार्यक्रम से अपने गंतव्य के लिए रवाना करते हैं। लेकिन आज क्योंकि स्थिति कुछ ऐसी थी, वो या तो सामना नहीं करना चाहते थे, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी अटकलें हैं इस वक्त जो यहाँ पे चर्चा हो रही है कि वो पहले क्यों निकल गए। लेकिन बड़ी बात यह है कि उनसे जो सवाल पूछे गए उसका बार बार उन्होंने जो रटी रटाई पंक्तियां होती है, लाइन होती है, वो ही दोहराए कि कोर्ट अपना कोर्ट में है पूरा मामला, पुलिस अपना काम कर रही है। बिल्कुल आशुतोष, ऐसे में सियासी मायने क्या निकाले जा सकते हैं इस बात के कि मुख्यमंत्री से पहले मंत्री बाहर निकल गए? देखिए जहां तक सियासत की बात करें, यहां से निकल के जाना तो उनका व्यक्तिगत फैसला है। किसी तरीके से कोई इसके अंदर सियासत जैसी जो बात है वो सामने निकल के नहीं आती। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की बात करें, इस पूरे मामले की बात करें, तो उसमें लगातार सियासत हो रही है और सियासत राजस्थान से लेकर दिल्ली तक हो रही है। दिल्ली में जो तमाम भाजपा के जो आला नेता हैं उनकी तरफ से इस पूरे मामले में इस मामले को उछाला गया, सामने लाया गया। राजस्थान में भी जो राजस्थान की जो भाजपा है उसने भी इस पूरे मामले में सियासत दी, तरह तरह के जो बयान थे वो सामने निकल के आए। लेकिन बहरहाल अभी जो रोहित जोशी के पिता हैं और जो राजस्थान के मंत्री महेश जोशी, उनकी तरफ से कोई मजबूत जवाब, कोई ऐसा आंसर सामने नहीं रखा गया है। वही लाइनों को दोहराया गया जो अब से दो दिन पहले वो देते हुए नजर आए कि पुलिस अपना काम कर रही है, मामला कोर्ट के अंदर है और कानून अपना काम करेगा। जी बिल्कुल आशुतोष, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं सुपरफास्ट।